आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक और रेसिपी दे रही हूँ मैंगो स्पेशल की। बहुत अच्छे आम आए हुए हैं, बहुत अच्छा सीज़न है और सीज़न की हमें हर चीज़ बहुत अच्छे से खा लेनी चाहिए। और डिफरेंट डिफरेंट मिल्क शेक्स भी बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिशेज़ बन रही हैं आमों की, कैरियों की। तो ये मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट सी रेसिपी। तो ये देखिए ये चीज़ें हैं। ये मैंने आम, एक अदद आम को ये देख सकते हैं आप, स्क्वायर में काट लिया है। चीनी है, कॉफ़ी है, दूध है और ये मेरे पास ये बोल है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 1-3 टेबल स्पून्स मैं लूँगी ये वाले चीनी के। कॉफ़ी के 3 टेबल स्पून, पानी 3 टेबल स्पून, व्यूअर्स अब इसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पहले बोल के अंदर कॉफ़ी, चीनी और पानी डाला था, लेकिन जब मैंने इसको बीट करने की कोशिश की तो वो उड़ना शुरू हो गया इधर उधर। तो मैंने इसको, ये देख सकते हैं आप, मैंने इस जार में डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। ये व्यूअर्स अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं मिल्क शेक यानी मैंगो शेक। बहुत सिंपल है ये रेसिपी। इसमें ये देखिए बर्फ़ डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने चीनी यूज़ नहीं की है क्योंकि आजकल आम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठे आ रहे हैं, तो मैंने चीनी यूज़ नहीं की है। दूध डाल दूंगी मैं। ये देखिए अम्मी, ये सारे मैंगोज जो मैंने काटे थे मैं वो डाल रही हूँ उसमें। अब इसका हम, इसको हमने ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है जैसे हम लोग शेक बनाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही ठंडा ठंडा मीठा सा शेक रेडी हो चुका है। अब मैं ये थोड़ा थोड़ा शेक जो है इन ग्लासेस में डाल रही हूँ। और ये जो हमने कॉफ़ी को बीट किया था मैं अब ये सारी इसमें डाल दूँगी। बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा ये शेक रेडी होता है।
व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से मज़ेदार डिशेस मैं आपकी खिदमत में लेके हाज़िर होती रहूँगी, और आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।